रोडवेज बस चालक हत्या का पूरा मामला। इस मामले में एक एक्सक्लूसिव वीडियो अब सामने आया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्या मामले में एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया सोनीपत में जो हत्याकांड हुआ, पुलिस के हाथ लगी सीसीटीवी वीडियो। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी है आरोपियों की थार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों तक पुलिस पहुंची, हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिजनों को पुलिस प्रशासन ने आश्वासन भी दिया है, इस मामले में आश्वासन पर परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सहमत हो गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हरियाणा पुलिस के हाथ लगी हैं, और ये वो थार, यही वो थार है जिससे ड्राइवर की कुचल करके हत्या कर दी गई थी। सोनीपत के कुंडली का ये पूरा मामला जहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, एक मामूली से विवाद से ये विवाद इतना बढ़ गया कि जो छात्र हैं वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने पहले ओवरटेक किया बस को और उसके बाद रुकवा करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, ड्राइवर को कुचल करके उन्होंने मार दिया था। और अब तक ये पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहे थे, जिसकी वजह से रोडवेज कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा था। रोडवेज की तरफ से कल चक्का जाम भी किया गया, लेकिन जब दिल्ली पुलिस की सहायता से हरियाणा पुलिस की तरफ से ये बात सामने आई है कि अब आरोपियों तक उनकी पहचान भी हो चुकी है, उनकी थार भी पाई जा चुकी है और उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है, तो ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है अब इन आरोपियों की। आरोपी एक निजी यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जा रहे हैं और इन पर 50,000 रुपये का इनाम भी पुलिस की तरफ से रखा गया था कि जो इनके बारे में जानकारी देगा उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और अब दिल्ली पुलिस की मदद से इन आरोपियों तक हरियाणा पुलिस पहुंच गई है। तो इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस पूरे मामले में ये जो है वो बड़ी खबर सामने आई और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज भी हरियाणा पुलिस के पास अब पहुंच चुकी है। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो थार जिससे रोडवेज के ड्राइवर को कुचल करके मार दिया गया था वो थार अब मिल गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो थार है जिससे वारदात को अंजाम दिया गया था।